हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स में। तो आज अपन नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, कॉस्ट एंड एस्टिमेशन। उसका फर्स्ट चैप्टर आज अपन करेंगे और यहाँ पे आपको थ्योरी के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सिलेबस देख लेंगे कि ये आपका एसएससी जेईई में आता है, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है। तो सिलेबस है अपना इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेट, कितने टाइप के आपके एस्टिमेट होते हैं, और उसके अलावा जो भी इंट्रोडक्शन में है कि ये एस्टिमेट होता क्या है उसके बारे में, इसके एस्टिमेट के टाइप क्या होते हैं, डिडक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में जितना भी जो इंट्रोडक्शन है वो सारा पढ़ेंगे इसमें। रेट एनालिसिस, मटेरियल के रेट एनालिसिस हम पढ़ेंगे, बिल्डिंग एस्टिमेट, रोड एस्टिमेट एंड वैल्यूएशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पांच चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाते हैं, और एस्टिमेशन का जो वेटेज है वो अभी बढ़ गया है फ्रेंड्स। तो 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज, इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ एस्टीमेट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एस्टीमेट क्या होता है। तो इट इज एन एसेंशियल टू नो द प्रोबेबल कॉस्ट, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन। दिस प्रोबेबल कॉस्ट इज नोन एज एस्टिमेटेड कॉस्ट। आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले अपन को एक अनुमानित या प्रोबेबल कॉस्ट उसकी पता होनी चाहिए। मतलब अपन बिल्डिंग कोई भी खड़ी कर रहे हैं, मुझे एक घर ही बनाना है तो कितने लाख रुपए में बनेगा। जैसे कोई मुझे एक छोटा सा घर बनाना है, 20 लाख रुपए का है, 30 लाख रुपए का है, तो एक अप्रोक्सीमेट अपन को एक अनुमान लगा के कि इतनी रेट इसकी लगेगी, ठीक है, वो डिसाइड करनी पड़ती है, उसे ही अपन एस्टिमेट कहते हैं। अब आप आ जाइए नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट इज मोर देन मनी अवेलेबल देन अटेम्प्ट आर मेड टू रिड्यूस द कॉस्ट। मतलब अगर आपके पास पैसा कम है और आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें हैं उनको रिड्यूस कर देंगे। जैसे आपने 4 कमरे बनाए तो उसकी जगह आप 3 कमरे बना दोगे, तो ऐसे कॉस्ट उसको रिड्यूस करना है। मतलब जितना अपने पास मनी अवेलेबल है उसके रेस्पेक्ट में उसको लाना है प्रोबेबल कॉस्ट को, कुल उसे ही एस्टिमेट कहते हैं कुल मिला के। तो अब नेक्स्ट है इसमें, इन प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल आर मेजर्ड एंड द कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। मतलब आपका जो भी कोई भी बिल्डिंग या कोई सा भी स्ट्रक्चर बना रहे हो उसमें आपके क्या क्या मटेरियल्स लगेगा और उन मटेरियल की क्या कॉस्ट है उसी पे पूरा डिपेंड करता है। तो एस कॉस्ट एंड एस्टिमेशन, मतलब अपन को जब कॉस्ट पता होगी तभी अपन उसका एस्टिमेट कर पाएंगे कुल मिला के। तो इसे ही बोलते हैं कॉस्ट एंड एस्टिमेशन, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पे एक क्वेश्चन भी आ रखा है कि आपका एस्टिमेट क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन भी पूछ रखी है एसएससी जेईई ने। तो अपने कहा था कि अपन जो भी पढ़ेंगे उसके साथ एक क्वेश्चन तो जरूर करेंगे उस रिलेटेड चैप्टर से, क्योंकि सब चैप्टर से जो मैं पढ़ाने वाला हूँ तो सारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में। तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं कि एस्टिमेट क्या है। एन एस्टिमेट इज द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग थंब रूल। थंब रूल से नहीं है ये, आपका नहीं है। रैंडम गैस ऑफ कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोबेबल कॉस्ट अराइव एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये भी नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट तो है नहीं। अब यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, रैंडम गैस ऑफ कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर और प्रोबेबल कॉस्ट। रैंडम गैस क्या होता है, क्या आपने कोई रैंडम गैस तो कब करते हैं, जब कोई बिल्डिंग बनी हुई होती है और अपन यूं ही बस तुक्का मार रहे हैं कि भाई साहब ये तो अपनी जो बिल्डिंग है वो बनी हुई है 20 लाख में, 30 लाख में, 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की। बट प्रोबेबल कॉस्ट जो अपन ने एस्टिमेट किया है, एक एक मटेरियल का जो भी मटेरियल थी उसका कॉस्ट आपने कैलकुलेट करके एक प्रोबेबल कॉस्ट बनाई है, एक एस्टिमेट तैयार किया गया है, उसे ही अपन एस्टिमेट कहते हैं। तो आपका प्रोबेबल कॉस्ट होता है इंक्लूडिंग मटेरियल की कॉस्ट से अपने पता करा है, तो वो आपका एस्टिमेट होगा। तो आज का आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी जेई 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन में से,
अपन अब बात करेंगे कि अपन एस्टीमेट में क्या क्या चीजें लेते हैं। तो आपको एक यहाँ पे पिक दिख रही है एस्टीमेट, ये अपना एक ग्राउंड लेवल है, आपको दिख रहा होगा। ग्राउंड लेवल से जो ऊपर का जो ये पार्ट होता है, ये वाला, ये ग्राउंड लेवल से ये जनरली प्लिंथ लेवल होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लिंथ लेवल, ठीक है फ्रेंड्स। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, बाद में देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटी कहाँ कहाँ से ली गई है। एस्टिमेट में अपन करते क्या है कुल मिला के, ठीक है। और ये आपकी एक वॉल है, ये देख सकते हो, उसके ऊपर पूरा का फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर वॉल है। तो सबसे पहले जो फाउंडेशन कर रखा है, ठीक है ना, ये वाला आपका पूरा फाउंडेशन है। सबसे नीचे आपका कंक्रीट मैसनरी कर रखी है, ठीक है ना, यहाँ पे कंक्रीट मैसनरी अपन ने कर रखी है, ठीक है। तो ये कंक्रीट मैसनरी है, इसके ऊपर ये B1 एंड B2, ये आपका स्टोन मैसनरी यहाँ पे कर रखा है। मतलब उसके जो ब्रिक बालाश वगैरह उसमें जो डालते हैं ना, वो है इसमें B1। ये दो लेयर्स में दे रखा है, इसकी हाइट कुछ होती है, इसकी H1 है, इसकी H2 है, जो ये आपका ग्राउंड लेवल तक आएगा। उसके बाद अपन प्लिंथ ले लेते हैं, ठीक है, ये प्लिंथ लेवल है ये आपका, उसको H3 अपन ने यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले एस्टिमेट में करते क्या है। तो अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन में ये होता है कि फाउंडेशन बनाना है तो अपन को एक गड्ढा खोदना पड़ेगा फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन कहाँ करेंगे, गड्ढा खोद कर जमीन के अंदर करेंगे, तो उसके लिए अपन को अर्थवर्क करना पड़ेगा। तो या तो एक्सकेवेशन करो, एक्सकेवेशन तो मतलब होता है खोदना, एंड फिलिंग, कटिंग या फिलिंग, ये दोनों भी चीज़ें होती है। ये कटिंग फिलिंग अपने जब किसी चीज़ को लेवल में लाने के लिए वो करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ में अपन को क्या करते हैं, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, मतलब अपन को अर्थवर्क है, जो अर्थ की मिट्टी है उसको खोदना है, कुल मिला के एक्सकेवेट करना उसको। अपने जो भी रिक्वायरमेंट हाइट है जो अपने फाउंडेशन की, उसको लेना है, उसके लिए अपन को एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। और एक्सकेवेशन किस में करते हैं, तो मीटर क्यूब में करते हैं। और मीटर क्यूब क्या होता है, LBH, एक चीज़ याद रखनी है आपको, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। ये इसकी L हो गया, ये वाला B जो इसकी क्या है, ठीक है, ये लेंथ है, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ ऐसे होगी, ये 3D में स्ट्रक्चर में आप निकित दिखा पाऊंगा ब्रेथ। और इसकी हाइट, इसको यहाँ पे आपको बी एंड एच ही दिख रहा है, बट इसकी विड्थ भी होती है कुछ, जो फाउंडेशन होगा वो। ये 2D में है तो 3D में आप एज्यूम कर सकते हो कि क्या चीज़ होने वाली है। फिर क्वांटिटीज ऑफ कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन, ये जो आपने यहाँ पे कंक्रीट मैसनरी की है, ठीक है ना, तो उसमें कितना कंक्रीट लगेगा वो चीज़ बोला है। कंक्रीट वर्क कितना होगा आपका फाउंडेशन में। उसके बाद आपका मैसनरी इन सब स्ट्रक्चर, मैसनरी कौन सी, स्टोन मैसनरी जो आपने की है यहाँ पर, ये B1 हाइट एंड B2 जो डेप्थ की थी, B1 एंड B2 जो डेप्थ की आपने जो की है मैसनरी, स्टोन मैसनरी हो सकती है आपकी, यहाँ पे ब्रिक मैसनरी भी कर देते हैं, जरूरी नहीं है, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो वो भी अपना मीटर क्यूब में लेते हैं। DPC क्या होती है वो भी अपन पढ़ेंगे, पहले मैं बता दूँ, आपका डैम्प प्रूफ कोर्स होता है, जो कि अपन जस्ट प्लिंथ लेवल के ऊपर लगाते हैं उसको। और ये किसमें मेजर की जाती है, मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे आप देख लिए प्लिंथ लेवल जब आपका पूरा हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो लगाई जाती है वो DPC, ये क्या होता है। अभी सब पढ़ने वाले एक एक चीज़ को इसमें बारीकी से देखेंगे कि अर्थवर्क क्या होता है, क्या करेंगे, कैसे करें। ब्रिक मैशनरी इन सुपर स्ट्रक्चर, ये आपका ब्रिक मैशनरी यहाँ पर कर रखा है H4 हाइट का, ये ब्रिक मैशनरी, उसके ऊपर एक वॉल खड़ी कर रखी है, ठीक है। अब अपन चीज़ में देखेंगे कि एस्टिमेट में उसको, तो सबसे पहले अब एस्टिमेट होता क्या है वो अपन चीज़ देख ही लिए कि एस्टिमेट आपका क्या होता है, प्रोबेबल कॉस्ट होता है, ठीक है। और प्रोबेबल कॉस्ट कहाँ से आती है, ये चीज़ अपन को देखनी है कि प्रोबेबल कॉस्ट होता है इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लान ड्राइंग एंड रेट्स ऑफ क्वांटिटी। आपको गिवन होगा प्लान, उसके बाद उसका ड्राइंग दी होगी कि ये चीज़ है, ये उसमें कितने कॉलम्स है, उसमें फाउंडेशन कैसा देना है, आपका कौन सी क्वांटिटी उसमें यूज़ होने वाली है, कौन सा फ्लोरिंग कैसे यूज़ करोगे आप। तो उनके बेसिस पे ही अपन को उनकी रेट पता चलेगी, रेट पता चलेगी तभी अब उनका कॉस्ट एस्टिमेशन कर पाएंगे। तो एस्टिमेशन इज अ कंप्यूटेशन कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर इन कंस्ट्रक्शन वर्क। उनको जो भी आपका मटेरियल है उनकी कॉस्ट को अपन क्या करेंगे, एस्टिमेट मतलब कंप्यूट कर देंगे कि इतना पैसा इसका बन रहा है, उसके बाद कितना खर्च हुआ,
वो एक्चुअल कॉस्ट वो अपन को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क के बाद पता चलेगा कि कितना एक्चुअल मेरा अमाउंट पैसा खर्च हुआ, एक्चुअल कॉस्ट बाद में पता चलेगी अपन को। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, पहले तो अपन ये एस्टिमेट है, ये तो प्रोबेबल कॉस्ट है कि इतना होना चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है आपका एस्टिमेट से, थोड़ा बहुत वेरी मतलब कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है ना। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आपकी सोर्स ऑफ अवेलेबल जो आपका सोर्स है, जैसे मटेरियल मटेरियल आपको दूर से नहीं बहुत पास से ही आ रहा है कि वहाँ से, तो आपका जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो घट गया। आपने ज़्यादा मान लिया कि पहले आपने सोचा कि मैं वहाँ से लाऊंगा, उसके बाद में आपको पास में ही मिल गया, तो आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज घट गया, उससे आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, जब आपका एस्टिमेट प्रोबेबल कॉस्ट बनने के बाद, जब आपका कोई भी स्ट्रक्चर है वो पूरा हो गया, उसके बाद जब आपको पता चलेगा कि कितना कंप्लीशन, मेरा पैसा कितना खर्च हुआ, वो एक्चुअल है। ये तो मैंने बता दिया कि मेरे 20 लाख खर्च होंगे, मैंने एग्ज्यूम कर लिया कि मेरे 20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबल कॉस्ट के लगभग। लेकिन मेरा जो एक्चुअल कॉस्ट आया स्ट्रक्चर बनने के बाद वो हो गया 21 लाख, ठीक है, 21 लाख। तो फिर एक्चुअल कॉस्ट वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 20, और ऐसा भी हो सकता है कि 20 के बिल्कुल आसपास रहे, 10-15 हज़ार का ही फ़र्क आ जाए, बट जनरली आपका लाख में फ़र्क आता ही आता है, थोड़ा बहुत उससे वेरी होता ही होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये आइटम्स अपन देखे थे कि अर्थ वर्क, कॉन्क्रीट वर्क, आपका सॉलिंग, DPC और मैसनरी। अपन करते क्या है कुल मिला के, जो जो स्ट्रक्चर अपन ने देखा था उसमें, तो अर्थवर्क सबसे पहला जो चीज आती है वो अर्थवर्क। अर्थवर्क मिट्टी को खोदना है, कुल मिला के एक्सकेवेट करना है। अर्थवर्क इन फिलिंग आर एक्सकेवेशन, मिट्टी को खोदना, फील करना, अगर कहीं पे मिट्टी कम है, ठीक है, आपने ऐसी जगह प्लॉट ले रखा है जो कि आपका जो रोड लेवल है उससे बहुत नीचे है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, उसको मिट्टी डाल के उसको पहले फील करते हैं, उस हाइट तक लाते हैं, उसके बाद फिर उस पर फाउंडेशन करते हैं, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो फिलिंग क्या होती है, कटिंग क्या होती है, ये चीज़ होती है। यूजुअली मेजर्ड फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज एंड आइटम्स, ये अलग अलग क्वांटिटीज के लिए अलग अलग मेजर होती है, ठीक है। फील भी कर सकते हैं, एक्सकेवेट भी कर सकते हैं, कुल मिला के ये मेजर किस में होती है, तो मीटर क्यूब में मेजर होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद कॉन्क्रीटिंग इन फाउंडेशन, अपन देखा था कि फाउंडेशन में उसने कॉन्क्रीटिंग कर रखी है, कॉन्क्रीटिंग हमेशा कॉन्क्रीट अपन मीटर क्यूब में लेते हैं, ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन कॉन्क्रीट आर यूजली सेम फॉर एक्सकेवेशन, ओनली डेप्थ और थिकनेस इज। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपकी जनरली क्या होता है, जो डेप्थ है या थिकनेस है वो ही आपका वेरी करता है, उसके लिए जो आपकी लेंथ एंड ब्रेथ होती है वो सेम ही होती है जनरली उसको, ठीक है ना। एक रेक्टेंगुलर टाइप में ले लेते हैं उसको, कुल मिला के वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए फाउंडेशन कॉन्क्रीट जनरली कंसिस्ट लाइम कॉन्क्रीट। लाइम कॉन्क्रीटिंग क्या होती है, चूना पत्थर होता है ना, अपन चूने से जो कॉन्क्रीटिंग करते हैं वो, ठीक है। ये पहले चलता था चूने वाला, अभी नहीं चलता है ज़्यादातर। अब वीक सीमेंट कॉन्क्रीट, यहाँ कोई स्पेसिफिकेट ज़्यादा लेते नहीं है, ठीक है। वीक सीमेंट कॉन्क्रीट जो कि आपके प्लान में मेंशन होता है, अब तो उस हिसाब से फाउंडेशन करने लग गए हैं, ये पहले चलता था, ठीक है ना। अब आपका आता है सॉलिंग। सॉलिंग क्या होता है बॉस, पहली बात सॉलिंग आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सॉलिंग से 2-3 क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आपको। इसके टाइप्स पूछे गए, इसके टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन। सॉलिंग क्या होता है, जब आपका मिट्टी है, ठीक है, आपका जो फाउंडेशन है उसकी जो मिट्टी है, अगर वो सॉफ्ट है या मतलब सॉफ्ट बोले तो एकदम गीली सी है, गीली मतलब चिकनी मिट्टी कह सकते हैं, सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट एंड बैड या खराब है, खराब कह दो सॉफ्ट कह दो एक ही बात है, ठीक है। यानी मिट्टी ऐसा है कि वो आपका लोड, जो फाउंडेशन का लोड आएगा वो बियर करने में ज़्यादा सक्षम नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, सॉलिंग करते हैं। सॉलिंग क्या होता है, वन लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक और स्टोन इज अप्लाइड बिलो द फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन करने से पहले जो भी आपकी जो सॉफ्ट सॉयल है उसके चारों तरफ जहाँ पे अपन को फाउंडेशन वर्क करना है वहाँ पर क्या करते हैं, एक लेयर बना देते हैं ड्राई ब्रिक की। तो सूखे मतलब जो ड्राई ब्रिक है उसमें कोई मोटा नहीं लगा हुआ है, वो ड्राई ब्रिक होती है। वैसे ये ड्राई ब्रिक
या आपका जो स्टोन है उसको लगा देते हैं, उससे क्या हो जाता है जो भी आपका फाउंडेशन का लोड आएगा वो उन पे आएगा सबसे पहले, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेस के थ्रू, उसके बाद का आप सॉइल में जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा आपका जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सॉलिंग होता है, ये आपका मीटर स्क्वायर में मेजर होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और कैसे होता है ये अभी अपन दो क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो ये जनरली दो टाइप का होता है आपका, फ्लैट सॉलिंग एज सॉलिंग, ठीक है। फ्लैट सॉलिंग का मतलब ये हुआ कि आपका लेंथ और ब्रेथ अपन कंसिडर कर रहे हैं, उसमें थिकनेस को कंसिडर नहीं करते फ्लैट सॉलिंग में आपका, ठीक है। आपकी मिट्टी जो ब्रिक होती है, ब्रिक को एक देख लेना, ब्रिक पे ही क्वेश्चन आ रखा है, तो ब्रिक देखना, तो ब्रिक की क्या होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ होती है और हाइट भी होती है, ठीक है ना। एक ब्रिक को जनरली 3D में आप हाथ में लेके देख लीजिएगा, वहां पे अगर उसमें अपन थिकनेस को कंसीडर नहीं करें, थिकनेस को, ठीक है, तो आगे वाला पार्ट अपन को दिखेगा, थिकनेस को कंसीडर नहीं करेंगे तो, ठीक है, तो वो फ्लैट सोलिंग के लिए जाती है। एज सोलिंग में आपका एज आएगा, मतलब वो जो थिकनेस है वो आएगी एज में, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एज सोलिंग मतलब आपका एज दिख रहा है, मतलब इसमें थिकनेस दिखेगी और फ्लैट में थिकनेस नहीं दिखेगी कुल मिला के, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे आपका ब्रिट कंसिडर नहीं करता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये इस पे क्वेश्चन आ रखा है, अब कैसा क्वेश्चन आ रखा है ये देख लीजिए। फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग, ठीक है, यहाँ पे फ्लैट सोलिंग पूछा है किसके लिए, ब्रिक के लिए क्वेश्चन आ रखा है ये देख लीजिए। 2012 SSC JEE में कन्वेंशनल साइज पूछा है, कन्वेंशनल साइज, स्टैंडर्ड साइज, नॉमिनल साइज, सारी साइजें आपको याद रखनी है, या आपका BMC में या कौन कहीं कहीं पे भी काम ही आएगा। यहाँ पे कन्वेंशनल साइज पूछ लिया, अब अगर कन्वेंशनल साइज नहीं पता तो गया ये क्वेश्चन हाथ से, ठीक है। और जनरली ऐसे क्वेश्चन है आपको एक बार करके ही रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करने नहीं बैठना है, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे तो सीधा याद है कि ब्रिक मशीनरी ब्रिक रिक्वायर्ड कितनी होती है, अगर मेरे यहाँ पे फ्लैट सोलिंग पूछा है तो एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है क्या, कि जब फ्लैट सोलिंग है तो अपन क्या करेंगे, थिकनेस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे देखो इसका जो आंसर आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ कि 32 आंसर आएगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने इसको सॉल्व कर रखा है वैसे पहले ही, बट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने क्या है कि टाइप नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट मैंने दे दिया जिससे आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो। और अगर आपका यहाँ पे फ्लैट की जगह एज सोलिंग होता तो आपका 54 होता है, कैसे होता है अभी देखते हैं, देख लीजिए कि 32 आपका आंसर है इसका, क्या जब फ्लैट सोलिंग हो अगर 1 स्क्वायर मीटर में पूछा है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कन्वेंशनल साइज ब्रिक का क्या होता है, ठीक है, अगर मैं MM में बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो 224 × 114 × 70 ये कन्वेंशनल साइज, अगर सेंटीमीटर में आपने पढ़ा होगा तो 22.4 × 11.4 × 0.7 cm², अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो आप, ठीक है। कन्वेंशनल साइज इन ब्रिक मैशनरी, अब मैशनरी में क्या हो गया, मोर्टार, अब ब्रिक विथ मोर्टार तो उसे बोलते हैं मैशनरी, ठीक है। तो इसमें आपका मोर्टार यहाँ पे पूछा गया आपको नंबर इन ब्रिक रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपको मैशनरी में आप यूज कर रहे हो फ्लैट सॉलिंग, सॉलिंग कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो वहाँ पे कुल मिला के ब्रिक वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल साइज मैशनरी कितना होता है, ये आपका 250 × 125 × 75, ठीक है, ये वाला जो साइज है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं BMC का, आप उनको BMC से कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप देख लेना एग्जाम में आपको कोई सा भी सब्जेक्ट है, कोई सा भी क्वेश्चन आता है उसको ध्यान रखना है कि कहाँ से पूछा गया है पहली बात तो, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या कंसिडर करना है, थिकनेस को कंसिडर नहीं करेंगे, थिकनेस क्या है यहाँ पे LBH, ठीक है, हाइट या थिकनेस बोल देंगे तो 75 को कंसिडर नहीं करना है, तो इसको मैं MM को मीटर में पहले चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को मीटर क्यूब में पूछा है, सॉरी 1 स्क्वायर मीटर में सॉलिंग अपन मेजर करते हैं, तो 1 स्क्वायर मीटर में पूछा है कितना है, तो स्क्वायर मीटर 0.250 × 1.22, ये आपका एक साइज मतलब एक सिंगल ब्रिक की साइज हो जाएगी, इतनी इतना इसका एरिया आ गया एक ब्रिक का, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 1 के साइज से, तो आपका 32 1 मीटर क्यूब में, यानी कि जो आपकी एक ब्रिक है कन्वेंशनल ब्रिक उसका एरिया इतना होता है। अब आपको एरिया कितना गिवन है, 1 स्क्वायर मीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर में जब आप इस सिंगल सीज ब्रिक का एरिया को डिवाइड करेंगे तो आपका 1 स्क्वायर मीटर में ब्रिक
कितनी होगी वो आ जाएगी कि आपको 1 मीटर क्यूब में इतनी ब्रिक चाहिए कन्वेंशनल साइज के लिए, ठीक है, तो 32 आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि अगर ए सोलिंग गिवन होता तो क्या होता, ए सो ए जो गिवन होता तो आपको क्या होता, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थिकनेस को कंसिडर करते हैं अपन, ब्रेथ को नहीं करते, तो आपका 215 टू 75 mm को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो 1875, ठीक है, 0.1875 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर से मैंने वही किया तो मेरा 54 आ गया। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों ही 2012 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब आपको क्या करना है, ये याद रखना है, सीधा सा दिमाग में फिट रखना है कि मेरा अगर कन्वेंशनल साइज आए, ऐसे आप अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज पूछ लिया होता तो भी आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड साइज पूछ लिया होता मेरा 200 × 100 × 100 होता है, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो वहां से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपको कन्वेंशनल की जगह स्टैंडर्ड साइज पूछ लिया तो वो भी आप करके देख लेना कि उसमें कितनी ब्रिक्स आती हैं, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में आपका टोटल ब्रिक्स होता कितना है, वो भी आप कन्वेंशनल जब नॉमिनल की बात करेंगे, एक नॉमिनल का कितना आता है, 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स होते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बीएमसी का है, बट बीएमसी की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, सारे सिविल के सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, आधे वाला पोर्शन आपको इसमें मिलेगा, आधा वाला पोर्शन इसी में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जनरली याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो चीज़ थी अपनी डीपीसी, मैंने कहा था कि आपको डीपीसी पढ़ाऊंगा अच्छे से। डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स होता है। पहली बात तो ये यूज़ क्यों आता है, डीपीसी यूज़ क्यों करते हैं कि आपका डैम्पनेस को रोकने के लिए। डैम प्रूफ कोर्स का मतलब ये होगा डैम्पनेस, ठीक है ना, मतलब वो पानी चिड़चिड़ा, वो अंदर से जो पानी चढ़ता है ना, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो खराब होने लगता है, ठीक है, वो डैमेज होने लगता है, तो उसको रोकने के लिए डीपीसी काम आता है। डीपीसी होती क्या है, तो टू, ये भी याद रखना है, डीपीसी क्या होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच की थिक सीमेंट कॉन्क्रीट होती है जनरली, ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट ही होती है, लेकिन उसकी जो साइज होती है बहुत छोटी सी होती है, ठीक है, 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच के अंदर, अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। इज प्रोवाइडेड एट द प्लिंथ लेवल टू फुल वॉल ऑफ प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल क्या होता है, मैंने आपको बताया था वहाँ पे, जब आपका पूरा जो फुटिंग हो गया, फुटिंग के ऊपर जब ग्राउंड लेवल के ऊपर जो काम होता है वो होता है आपका प्लिंथ लेवल। जब प्लिंथ लेवल आ गया, ठीक है, तो उसके ऊपर जब आपको स्ट्रक्चर, आपका सुपर स्ट्रक्चर होता है, उसको स्टार्ट करने से पहले इसको लगाया जाता है, ठीक है, और ये पूरा फुल वॉल में लगाया जाता है, जितना आपका फाउंडेशन है उतना, लेकिन किसको डिटेक्ट करके, जहाँ पे आपका ओपनिंग है, किसका, वरांडा या डोर, जहाँ पे आपका डोर लगने वाला है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वहाँ आपका चीज़ खुली रहने वाली है, ठीक है, वो पार्ट खुला रहने वाला है, इसीलिए वहाँ पर ये यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यूजुअली डीपीसी इज नॉट प्रोवाइड द सील्स ऑफ डोर, मतलब जहाँ पे आपकी डोर की ओपनिंग है वहाँ पे आप इसको नहीं लिख सकते हैं, एट विच डिडक्शन आर मेड, मतलब इसके लिए आपको डिडक्शन, जब आप इसको क्वांटिटी मेजर करोगे तब ये आपका डिडक्शन करना पड़ेगा, मतलब जो भी आपका साइज है डोर का, जो भी डोर का जो विड्थ होगा उसको आप डिडक्ट कर दोगे जब आप इसका एस्टिमेशन करोगे तब, ये बात कह रहा है। अब डीपीसी पे एक क्वेश्चन बहुत, ये दो बार पूछा गया है 2011-2016 कि डीपीसी इज मेजर्ड इन, डीपीसी को मेजर किस में करते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा, इसमें आपको अगर याद है तो ठीक है, देख लीजिए कि डीपीसी क्या है। तो डीपीसी आपको आपको पता है कि मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर मतलब आपका हो गया एरिया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, मीटर स्क्वायर डायरेक्टली आपको गिवन होगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं, एरिया, ठीक है, लेंथ होता है तो एल सिंगल क्वांटिटी, एरिया आपका मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कब आएगा जब लेंथ टू ब्रेड, तो वॉल्यूम कब आएगा जब तीनों ही चीज़ें आपकी, वेट, वेट भी अलग चीज है, तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर एरिया है या मीटर स्क्वायर भी आप अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो वहाँ पे कर लेना। अब आपका आता है मैसनरी, मैसनरी क्या होता है, मैसनरी इन सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, और सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता तो भाई साहब उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बट मैं आपको बता देता हूँ सब स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। सब स्ट्रक्चर आपका प्लिंथ लेवल से जो नीचे का काम होता है ना, प्लिंथ लेवल से नीचे का काम, प्लिंथ भी उसमें इंक्लूड है, वो आपका सब स्ट्रक्चर हो गया। सुपर स्ट्रक्चर जो प्लिंथ लेवल के ऊपर जो आपका जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, आपकी पूरी बिल्डिंग बनती है ना, जितने भी कमरे वगैरह बने होते हैं,
वो आपका सुपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैसनरी ऑफ डिफरेंट क्लास, अलग अलग टाइप की मैसनरी होती है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, आपके उसके ग्रेड पे डिपेंड करता है, सीमेंट के ग्रेड पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। मैसनरी विथ डिफरेंट मोर्टार आर टेकन एज सेपरेट, एक तो क्लास की अलग और मोर्टार की अलग, क्योंकि मोर्टार भी अलग चीज़ है और इसकी क्लास भी अलग चीज़ है, ठीक है। इसको भी आप मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे और नोट में याद रखनी है कि जो आपके थिन पार्टीशन वॉल होती है उसको अपने मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। पार्टीशन वॉल कहाँ बनाई जाती है, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि पार्टीशन वॉल कहाँ बनी होती है, ठीक है ना। पार्टीशन वॉल कहाँ बनी होती है जनरली, ये आपको जरूरी बताना है मुझे। थिन पार्टीशन वॉल जब आपका घर पूरा हो जाता है, जो सबसे ऊपर जो आपका छत होता है, छत के आपको पता हो छत के कॉर्नर पर सिर्फ 3 या 4 फीट की अपन एक छोटी सी दीवार बनाते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं पार्टीशन वॉल, ठीक है, उसे बोलते हैं पार्टीशन वॉल। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है इस पर रिव्यू जरूर देना है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं इस पर कमेंट जरूर करना है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि ये चीज़ क्या है, मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, या फिर आज जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका तब मैं आपको दे दूंगा। और ये एसएससी जेई या कोई सा भी आपका स्टेट जेई का एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको अच्छे से करके जाना है एसएससी वाले खास करके। चलिए अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, एस्टिमेट्स के टाइप कहाँ से होते हैं, यहाँ से आपका हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। तो जनरली डिफरेंट टाइप्स जो अपने टाइप्स होते हैं एस्टिमेट के, 9 टाइप के होता है आपका, प्रिलिमिनरी हो गया, प्लिंथ एरिया हो गया, क्यूब रेट हो गया या क्यूबिक कंटेंट हो गया, इसको एक ही दो नाम है, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी हो गया, डिटेल, रिवाइज्ड, सप्लीमेंट्री, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एंड एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो आपके 9 टाइप्स के होते हैं, ठीक है जनरली। तो अपन यहाँ पे पहला टाइप लेंगे आपका कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है, तो ठीक है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट या आपका रफ, इसको क्या बोलते हैं, एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है, रफ एस्टिमेट, ठीक है। प्रिलिमिनरी क्या हो गया, अब मैं आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर आप थ्योरी पे जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिलिमिनरी स्टडीज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजिशन एंड पॉलिसीज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन बाय एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। कुछ भी मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये चीज़ क्या है। ये चीज़ है जब आपकी कोई भी स्टेट जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, मतलब जैसा कि आपका PWD हो गया जो कि आपके रोड का काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो आपका जैसे PWD हो गया, तो PWD के जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, मतलब वहाँ के AEN, JEN जो भी है, जो कोई सा भी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने, मतलब सोच रहे हैं कि इस जगह पर मुझे रोड बनानी है, ठीक है, तो उस रोड के बारे में उसकी क्या क्या पॉलिसीज होगी, उस पर कितने पैसे खर्च होंगे, ये फाइनेंशियल पोजिशन, मतलब उस पर कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा है, वो चीज़ यहाँ पर बना रहा है, उसके बेस पे अपन वहाँ पर एक एस्टिमेट ऐसा तैयार करेंगे, एक प्रोबेबल कॉस्ट तैयार करेंगे, प्रिलिमिनरी मतलब एक रफ कॉस्ट रफ आइडिया लगाएंगे। किसके बेस पर लगाएंगे कि ऐसा कोई वर्क, मैंने पहले भी एक ऐसी रोड बना रखी है उसके बेस पे मैं बना रहा हूँ कि उसका जो पूरा डाटा है मैं वो ले लूँगा कि उसके बेस पे इतना उसका खर्च आया था। मतलब ऐसा अभी तो आपने कुछ किया नहीं है, मैंने एक रोड बनाई थी, 2 किलोमीटर की रोड बनाई, उसमें मैंने क्या किया, मेरा 2 करोड़ का खर्चा आ गया, ठीक है, मान लो जनरली, ठीक है। अब ऐसी मुझे एक और रोड बनानी है जो कि मेरे का 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर ले लो, ठीक है। तो अब मुझे पता है जब मैंने 2 किलोमीटर के लिए 2 करोड़ खर्च किया था, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, उसी पूरे फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कि भाई उसकी कॉस्ट इतनी हुई थी तो यहाँ पे भी मेरी उसके अकॉर्डिंग उतनी ही कॉस्ट होगी, तो मतलब 5 किलोमीटर के लिए मेरी 5 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 5 करोड़ रुपए मेरा यहाँ पे लगेगा। एक सीधा सा जनरली आइडिया लगा दिया, मतलब यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नहीं होता, बस एक रफ एस्टिमेट बना दिया मैंने कि उसमें इतना हुआ था, इसमें इतना हुआ था, कहाँ पे, अप्रोक्सीमेट प्रीपेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज या कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क्स, मैंने कहा सिमिलर वर्क्स पे
और नॉलेज पे। और बहुत सारे जो लोग होते हैं फिर वो काम कर लेते हैं ना बहुत ज़्यादा, जो किसी को 10 साल में मैं रोड ही बना रहा हूँ सिर्फ, वो उसको पता हो जाता है एक एक चीज़ का, ठीक है ना। तो वो उसके बेस पे डायरेक्ट ही बता देते कि भाई साहब इसकी इतनी कॉस्ट आएगी। तो ये आपका होता है प्रिलिमिनरी कॉस्ट, या इसको बोलते हैं रफ एस्टिमेट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आपका दूसरा जो एस्टिमेट आता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट फॉर बिल्डिंग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 2018 जो पिछला आपका एग्जाम हुआ था उस पे ये क्वेश्चन आया था प्लिंथ एरिया, बट उसने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी और लोग गलत करके आ गए, ठीक है। अब क्या होता है इसका बेस पे जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बट यहाँ पे याद रखना है इट इज एन आल्सो एन अप्रोक्सीमेट, ये भी एक अप्रोक्सीमेट है प्लिंथ एरिया। आपको नाम से ही पता चल रहा है प्लिंथ एरिया, तो ये किसके बेस पे, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट फॉर बिल्डिंग, ठीक है। तो किस बेस पे बनाएंगे इस एस्टिमेट को, तो प्लिंथ एरिया आपका जो भी प्लिंथ क्या है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आपका जो फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन जो ग्राउंड लेवल तक कर दिया उसके ऊपर का पार्ट, ठीक है, उससे ऊपर, और जो आपका सुपर स्ट्रक्चर उसके नीचे नीचे की जो हाइट, जो आपका वर्क होता है वो होता है प्लिंथ, ठीक है। तो जो प्लिंथ एरिया हो गया उसको मैंने मेजर कर लिया, क्या क्या, ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन इन लोकेलिटी। मतलब जहाँ पे आप ये काम कर रहे हो, इसने क्या किया, मैं मुझे एक प्लिंथ एरिया के बेस पे मैं एस्टिमेट कैसे बनाऊंगा, मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर पहले ही बना रखा है, ठीक है, उसका प्लिंथ लेवल कुछ था, तो उस प्लिंथ लेवल के बेस पे मैंने एक नया स्ट्रक्चर, मुझे नया स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसका क्या करूँगा, प्लिंथ एरिया ले लूँगा, ठीक है। प्लिंथ एरिया क्या था वो मैंने, पहले तो मैंने प्लिंथ एरिया उसका मेजर कर लिया, ठीक है। उसको बाद उसका क्या किया, जितने भी प्लिंथ एरिया की जो रेट थी उससे मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, ठीक है ना। उस क्या करूँगा मैं, जितना भी आपका प्लिंथ एरिया था आपको कैलकुलेट कर लेना है और मेजर कर लेना है प्लिंथ एरिया को, ठीक है। प्लिंथ एरिया को मेजर करने के बाद आपका प्लिंथ एरिया रेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो भी आ रहा है आपका कॉस्ट, जो एस्टिमेट आएगा वो आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट कहलाएगा। कुल मिला के ये भी एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है, मतलब इसमें अपन जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो प्लिंथ एरिया के बेस पे कर रहे हैं। कुल मिला के ये प्लिंथ एरिया कह दो या आपका बिल्टअप एरिया कह दो, इसका एक और नाम है, ये भी आपको और एग्जाम में यही पूछा था, प्लेन एरिया ना देके क्या पूछ लिया पता है, बिल्ट अप एरिया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या पूछ लिया, बिल्ट अप एरिया, ये आपको याद रखना है, बिल्ट अप एरिया आपको पूछ लिया, बिल्ट अप एरिया या प्लिंथ एरिया, जहाँ पे आपका पूरे प्लॉट का आपको एक प्लॉट गिवन है उसमें से प्लिंथ एरिया आपको पता होगा, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है। आपको पता है पूरे प्लॉट में कभी भी जनरली जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बनता, ठीक है। आपका जो फ्री स्पेस है वो आप छोड़ते हैं, उसके बाद जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं वो आपका बिल्ट अप एरिया होता है, ठीक है ना। तो वही आपका जब बिल्ट अप एरिया में ही आप कंस्ट्रक्शन करोगे और वो बिल्ट अप एरिया में आपका प्लिंथ एरिया तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसीलिए वो बिल्ट अप एरिया या प्लिंथ एरिया एक ही चीज़ वहाँ पे कह दिया, ठीक है। अब प्लिंथ एरिया शुड बी कैलकुलेटेड फॉर कवर्ड एरिया, पूरा कवर होता है ये तो आपको पता ही है, बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन, मतलब आपका जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है ना, तो बाहर से जो आपका कॉर्नर होगा वहाँ से अपन डायमेंशन लेंगे उसकी, और फिर उसको मेजर करेंगे एट द फ्लोर लेवल पे, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो ओपन एरिया वो उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब प्लिंथ एरिया ही आपको सिर्फ प्लिंथ एरिया लेना है इसमें, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है आपका क्यूब रेट एस्टिमेट, तो सेम ही सिमिलर ही है, देखो कुछ भी नहीं है, दोनों ही सिमिलर ही है। ये भी उसमें क्या करते थे, अपने प्लिंथ एरिया ले लिया, अब यहाँ पे क्यूब रेट एस्टिमेट, तो मतलब क्यूबिकल कंटेंट ले लिया, कितना मीटर क्यूब आपकी क्वांटिटी है, ठीक है ना। क्यूबिकल कंटेंट ले रहे हैं बिल्डिंग का, कैलकुलेट बाय फाइंड क्यूबिकल, और जो भी आपके क्यूबिकल कंटेंट आ रहा था उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी रेट से, कुल मिला तो सेम टू सेम है, कोई चीज नहीं है। वहां पे क्यूब रेट में अपन क्यूबिकल कंटेंट ले रहे हैं उसका, मतलब कितना मीटर क्यूब मेरा उसमें माल जा रहा है, कुल मिला के कितना मेरा वर्क हो रहा है वो उसके बेस पे अपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नॉट नॉट में एक और चीज है कि इसमें जो फाउंडेशन प्लिंथ और जो पैरापेट वॉल होती है आपकी उसको इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी एक आपका अप्रोक्सीमेट ही है, देखो रफ रफ कॉस्ट वाला है, रफ एस्टिमेट है, क्यों,
आपका अगर मैं फाउंडेशन ले लूंगा, प्लिंथ ले लूंगा, पैरापॉट सब कुछ ले लिया, फिर तो ये डिटेल एस्टिमेट हो गया, मतलब एक एक चीज की जानकारी ले ली, तो फिर जो वो जो जो डिटेल है उसको अपन रफ कैसे कह सकते हैं कुल मिला के, ठीक है ना। तो ये भी एक रफ है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, मतलब इसमें भी अपन क्या कर रहे हैं, क्यूबिकल कंटेंट मैंने मान लिया कि इसमें, या ऐसा मैंने कोई स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें इतना मुझे, मतलब इस साइज पे इतना क्वांटिटी मेजर होता है, ठीक है। तो ऐसा ही मैंने डायरेक्ट ऐसे जनरली सोच के कि बस मेरा 9 बाई 15 का जैसे कोई भी रूम है, ठीक है, तो कितना मीटर क्यूब हो गया, उस मीटर क्यूब के हिसाब से मैं अगले जो भी मेरा दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें भी ऐसा सेम रूम आ गया, तो मैं उसको ऐसे डायरेक्टली उसके बेसिस पे उसको कर सकता हूँ क्यूबिकल कंटेंट के रेट पे। तो वो चीज़ है इसमें, ठीक है। तो उसमें फाउंडेशन, प्लिंथ और ये इसमें नहीं करते हैं, बस यही एक डिफरेंस है। अगर ये कर लेंगे तो आपका डिटेल एस्टिमेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी क्या होता है ये अपन देखेंगे। द मेथड अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ वॉल इज फाउंड आउट द रनिंग मीटर एंड टोटल लेंथ इज मल्टीप्लाई रनिंग मीटर रेट। अब भाई ये भी ऐसा ही, उसमें कम क्यूबिकल कंटेंट मेजर कर रहे थे, अब इसमें क्या कर रहे हैं, आप जो भी आपकी वॉल है उसको मेजर कर रहे हो, किसमें, मीटर में, लेंथ में उसको मेजर कर दिया, ठीक है। आपको कितना लेंथ है अंदर से या बाहर से, आपका कारपेट एरिया ले लिया या आपने पूरा एरिया ले लिया, ठीक है, तो बिल्टअप एरिया ले लिया आपने, तो वो चीज़ अलग है, उसके हिसाब से आपको मेजर कर लेना और जो भी उसकी रेट है उसको मल्टीप्लाई कर लेना, उससे भी आपका आ जाता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी में यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं पता है, इसको नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे वॉल का अपन मेजर कर रहे हैं, वॉल का रनिंग मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। जितने भी आपके पूरी घर के चारों तरफ की दीवार है उसको अपने रनिंग मीटर में नाप लिया, उसका जितने मीटर के हिसाब से आपने जो उसके रेट लगा ली और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। फॉर दिस मेथड स्ट्रक्चर में बी डिवाइडेड टू पार्ट्स। अब ये इस मेथड को अगर अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, दो पार्ट में उसको कर दो, क्या फाउंडेशन इंक्लूड इन प्लिंथ का आपने अलग कर दिया, सुपर स्ट्रक्चर का अलग कर दिया, मतलब नीचे का वॉल है वो आपको वॉल का जो भी जितना भी एरिया वो उसको मेजर कर लिया और फाउंडेशन है उसका भी अलग मेजर कर दिया आपने, ठीक है। तो उसके बेस पर इसको करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये होता है डिटेल एस्टिमेट और आइटम रेट एस्टिमेट, दूसरा नाम है इसका आइटम रेट, ठीक है। डिटेल दे रखा है, डिटेल का मतलब क्या होता है, जानकारी, हर एक चीज़ की जानकारी, डिटेल मतलब कोई भी चीज़ होते हैं डिटेल मतलब एक एक चीज़ की जानकारी भाई साहब। तो डिटेल जब हर चीज़ डिटेल में है तो आपका कैसा एस्टिमेट होगा, ये एक्यूरेट। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि मोस्ट एक्यूरेट होता है, मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट होता है, एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये किस बेस पे करते हैं, आइटम रेट्स के बेस पे, अभी बताऊँगा। कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क्स एंड वर्किंग द कॉस्ट, मतलब आपका उसमें जितनी भी क्वांटिटी जा रही है, आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर एक एक क्वांटिटी, मेरा कितना सरिया लग रहा है, मेरा कितना स्टील गया, मैंने क्या क्या आइटम, मैंने कितना ब्रिक मैसनरी, मैंने कितना उसमें प्लास्टर किया, मतलब हर एक चीज़ आपकी, मैंने उस पर फ्लोरिंग की तो कैसे ली, तो उस एक एक चीज़ का मैंने कितना उसको मेजर करने के बाद उसमें मैंने कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, मतलब कौन कौन सा लगेगा उसमें, जो आपके अदर्स और कोस्टें थी सबको मेजर करके एक डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। और जो जनरली आपको पता होगा जो भी PWD जो बनाता है, ठीक है, वो इस टाइप का एस्टिमेट होता है, मतलब एक एक चीज़ की जानकारी देते हैं वो। जब आपका जो बिल्डिंग ख़त्म होने के बाद जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, तो आपको पता होगा कोई भी प्राइवेट कंपनी है जब वो ठेके लेके जब वो काम करती है, ठीक है, जब वो बिल बना के देती है ना, तो ये डिटेल एस्टिमेट टाइप का होता है, मतलब उनको एक एक चीज़ की जानकारी देनी होती है, ठीक है ना, एक एक चीज़ की जानकारी देनी होती है कि आपको इसमें क्या रेट था और उसके बेस पे क्या, क्योंकि वो खुद भी जो आपके PWDs वगैरह है, PWD PhD, वो भी उनके वर्क का उसी बेसिस पे जो भी आपका स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं उसके बेस पे ही पूरा एक डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है, और वो भी इसी एस्टिमेट के बेस पे आगे वाले को पेमेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, द डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच आइटम्स टेकन आउट करेक्टली फ्रॉम ड्राइंग एंड क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम आर कैलकुलेटेड। आपका जो भी है आपको पता होगा, स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले आप प्लान बनाते ही बनाते हैं, मतलब एक एक चीज़ का कहाँ पे क्या चीज़ बनेगी, तो उसके बेस पे ही, उसके
उसकी लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, अपने पास सारा ड्राइंग में सब कुछ होता है, ठीक है। उसके बेस पे ही अपन डिटेल एस्टिमेट तैयार करते हैं। और ये दो टाइप का होता है डिटेल एस्टिमेट, ठीक है। एक एक क्या होता है आपका डिटेल ऑफ मेजरमेंट, और एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मेजरमेंट। अब ये क्या होता है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो डिटेल ऑफ मेजरमेंट देख लीजिए भाई साहब, मैंने कोई एक रूम एज्यूम कर लिया, यहाँ पे अच्छे से समझना, ठीक है। मैंने एक रूम एज्यूम कर लिया, ये यहाँ से ये मेरी, यहाँ से यहाँ तक मैं देख लो, या पूरी देख लो, ऐसे मैं कर लेता हूँ। ये वाली, ये मेरी लॉन्ग वॉल है, आपको दिख रही है ये वाली मेरी लॉन्ग वॉल है, ठीक है, ये वाली। और ये वाली मेरी शॉर्ट वॉल है वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों का ले सकता था, मैंने एक ही लिया है टाइम बचाने के लिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले डिटेल ऑफ मेजरमेंट। तो ये आपका जो मेजरमेंट बुक होता है उसमें इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। इस टाइप्स के कॉलम्स बने होते हैं, आपको एक ही क्वांटिटी लिखनी है। मतलब सबसे पहले आपका आइटम्स होगा, कौन कौन सा आइटम्स है, तो आइटम नंबर वन, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब किस चीज़ के आप आइटम लिख रहे हो वो, ठीक है। फिर नंबर के कितनी क्वांटिटी आप उसमें ले रहे हो, मतलब कौन सी कौन कितना नंबर ले रहे हो, आपका वॉल है तो कितनी वॉल है वो, उसके नंबर लिखने हैं। फिर आपका लेंथ, उस वॉल अगर वॉल ले लिया तो मैंने उसका लेंथ क्या है, मैंने शॉर्ट वॉल लिया तो उसका लेंथ क्या है, ब्रेड क्या है, उसकी हाइट क्या है। फिर उसके बाद मैंने इनको सब कुछ मेरे नंबर के बेसिस पर मैं लास्ट में इसमें क्वांटिटी निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा सबसे पहले लॉन्ग वॉल, तो मैं यहाँ पे देखा कि आपकी एक तो ये है लॉन्ग वॉल, ठीक है, मैं लॉन्ग वॉल करवा रहा हूँ, शॉर्ट वॉल आप खुद कर लेना आपसे निकलता है कि नहीं। तो एक या दो, ठीक है, तो मेरी कितनी हो गई, दो। फिर इसकी लेंथ मैंने क्या मान ली, मैं दोनों की सेम होगी, आपको पता है इसकी भी और इसकी भी, इसीलिए मैंने दो लिखा है क्योंकि दोनों ही एक टाइप के वॉल है, तभी मैंने यहाँ पे दो लिखा है। तो लेंथ होगी L1 मान लो, क्योंकि L2 मैंने यहाँ पे शॉर्ट की मान ली थी, ठीक है। मैं L2 आप शॉर्ट की मान लेना और फिर लिख लेना। अगर मैं यहाँ पे दो नंबर लगा के यहाँ पे मैं शॉर्ट वॉल कर लेता हूँ तो दो हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ L2 हो जाएगा, B2 ब्रेड्थ हो जाएगा, आपका हाइट H1 है, ठीक है। ये आपके वॉल की मेजरमेंट आ गई। अब मुझे क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, टू मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, L1 मल्टीप्लाई V1 मल्टीप्लाई H1, ये आपकी क्वांटिटी आएगी इक्वल टू, ये क्या आएगी, क्वांटिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट्स, मतलब आप एक जितने भी मेजरमेंट लिए हैं उनके डिटेल्स से लिख रहे हो एक एक चीज़। तो ये होता है आपका डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट। और दूसरा आपका आएगा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट। मान लीजिए मुझे फाउंडेशन में कॉन्क्रीटिंग करनी थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे कह दिया कॉन्क्रीटिंग है ये, ठीक है, कॉन्क्रीटिंग, कॉन्क्रीटिंग करनी थी, कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे गिवन है 10 m³। वो तो उसका रेट क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा के मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्क्रीटिंग गिवन है 10 m³ की, अब मुझे उसकी रेट पता करनी है, ठीक है। मुझे 1 m³ की रेट पता है, ठीक है। तो अब आपको अगर निकालनी है कि 10 m³ की कितनी है, तो सीधा सा ये है, 10 × 2000 कर दिया, सीधा सा 20,000 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मैंने अगर कॉन्क्रीटिंग कर ली, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फाउंडेशन वर्क कर लिया, तो एक्सकेवेशन कर लिया, तो एक्सकेवेशन कितना किया वो क्वांटिटी लिखनी है आपको। एक्सकेवेशन किस में मेजर करते हैं, अगर आपने सॉलिंग की तो उसको कैसे मेजर करते हैं, उसका रेट क्या है आपका और उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसके हिसाब से आप एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट से भी एस्टिमेट तैयार कर सकते हैं, ठीक है फिर। तो ये दोनों ही मेथड चलते हैं मुझे, ठीक है। लेकिन जनरली जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नहीं करके आपका डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि एक एक चीज़ का आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो ये ज़्यादा यूज़ में लगते हैं प्रैक्टिकली। जो आपको गवर्नमेंट बॉडीज़ में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है आपका रिवाइज एस्टिमेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है और रिवाइज एस्टिमेट करने की ज़रूरत क्या पड़ी पहले पहले, तो ठीक है। तो डिटेल एस्टिमेट एंड रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड, आपने कोई सा भी एक डिटेल एस्टीमेट बना दिया, पहले बात तो आपने स्ट्रक्चर का डिटेल एस्टीमेट बना दिया। अब आपने डिटेल एस्टीमेट तो बना दिया, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई तो आपको वो एस्टीमेट को रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब आपको उसको बदल के कुछ चीज़ों को वापस से एस्टीमेट, उस डिटेल एस्टीमेट को तैयार करना पड़ेगा कुल मिला के, उसको बोलते हैं रिवाइज एस्टीमेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ अ डिटेल एस्टीमेट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर अंडर एनी कंडीशन, मतलब क्या हो जाता है, अब कौन सी कंडीशन है जिसके आधार पर आपको जो आपका डिटेल एस्टिमेट है उसको बदलना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो वो है व्हेन द ओरिजिनल सैंक्शंस एस्टिमेट इज एक्सीडेड और लाइकली एक्सीडेड बाई 5%। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट का मतलब ये होता है, जब आपको अपने डिटेल एस्टिमेट बनाया तब आपको जो कॉस्ट दी गई थी एस्टीमेट
जो आपने डिटेल एस्टिमेट बनाया उसके बाद जो कॉस्ट निकल के आई, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल के आई, ठीक है ना। अब अगर वो वेरी कर रही है, आपको कुछ ऐसा काम हो गया कि जो ज़्यादा करना पड़ रहा है या कम करना पड़ रहा है, आपने देख लिया कि लेट लतीफ़ी हो रही है भाई साहब, मैं बारिश आ गई, बारिश की वजह से आपका काम रुक गया, ठीक है, काम जितना होना था उतना नहीं हो पाया, टाइम से नहीं हो पाया, उसके वजह से आपको कुछ भी लग गया, या फिर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होना था वो सही से नहीं हो पाया, ठीक है, जल्दी से माल लाना था और बहुत जो आपने सोच रखा था कि पास से कोई चीज़ मिल जाएगी और मुझे मिली नहीं, मुझे मैंने उसको दूर से मंगवाया, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो बढ़ गया, फिर आपको लेबर की कमी हो गई तो आपको ज़्यादा पैसे दे देकर लेबर को लाना पड़ गया, तो लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, आपका जो एस्टिमेट आपने लगाया था वो चेंज हो गया, आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो उस केस में अगर आपका जो आपने डिटेल एस्टिमेट तैयार किया है अगर वो 5% से ज़्यादा जा रहा है या वेरी कर रहा है, आपको लग रहा है कि भाई 5% चला जाएगा, 5% बहुत होता है क्योंकि स्ट्रक्चर लाख करोड़ों में, मतलब 1 करोड़ का अगर आप 5% 5 लाख रुपए ज़्यादा हो गए, ठीक है, ऐसे अब बहुत सारे करोड़ों के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये 5% बहुत होता है क्योंकि मिनिमम आप छोटा सा भी आप अगर घर बनाने जाएँ तो 30-35 लाख 25 लाख तो रुपये होते ही है, 20 लाख का भी 5% कितना होता है, फिर आप देख सकते हो उसके बेस पे, ठीक है ना। तो और अब ये कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये थी, दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑन अ वर्क एक्सीड और लाइकली एक्सीड द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सैंक्शन बाय 10%, ठीक है, ये तो हो गया। अब सैंक्शन एस्टिमेट क्या होता है, जब वो बॉडी ने आपको इतना पैसा दिया था और वो करना था, अब एक्सपेंडिचर क्या होगा, आपने ये कोई भी गवर्नमेंट से काम तो ले लिया, ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट में जो काम करते हैं उसका क्या होता है, जो जो एस्टिमेट लगा के जो आपका रेट कॉस्ट बताते हैं, ठीक है, उससे भी माइनस में ले लेते हैं, ठीक है ना। माइनस में कैसे लेते हैं, मतलब कोई कह देता है मैं 80% पे काम कर लूँगा, आपका कोई भी प्रोजेक्ट मान लो 30 लाख का था, ठीक है, या मान लो 1 करोड़ का था, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसने क्या किया 80% में ले लिया, कितना कितने में ले लिया 80%, वो बोलता है मैं 80 लाख में आपको करके दे दूंगा, तो वो जो प्रोजेक्ट था वो उसको मिल गया, फिर उसको ऐसा लगा कि एक्सपेंड उस पर खर्च तो भाई मेरे ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब 10% ज़्यादा हो रहा है, 80, मतलब ये वो 1 करोड़ का ही था पर उसने घाटे में सौदा कर लिया भाई, तो वहाँ पे लुट गया। तो जब ऐसा होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन है अपना, आपको जो पैसे देने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन, मतलब आपको पैसे देने वाला है, जब वो उससे भी ज़्यादा आपको कॉस्ट, मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो आप अपने जेब से तो करोगे नहीं, तब ये चीज़ होती है कि 10% से ज़्यादा आपका पैसा जा रहा है, अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है जो भी एस्टिमेट है आपका, तो उसे अपन बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है। व्हेन देयर आर मटेरियल डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्रपोज, मतलब आपका मटेरियल जहाँ से आने वाला था वहाँ से आपका आया ही नहीं, या आपको वहाँ पे मिला ही नहीं वो मटेरियल, और जब मटेरियल नहीं मिलेगा आपको तो आपका कंस्ट्रक्शन ठप हो जाएगा, और ठप हो जाएगा तो भाई साहब लास्ट में पेनल्टी लगनी है और कुछ नहीं, और 2-4 गालियाँ और अलग से पड़ेगी आपको, वो अलग बात है। तो यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब आपका आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, जब आपने कोई चीज़ का एस्टिमेट बना दिया, आपका कोई घर बन रहा था, घर के अंदर 4 कमरे थे, ठीक है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 4 कमरे ही बनाने थे आपको, तो उसके बेस पे आपने एक एस्टिमेट तैयार किया 4 कमरों वाला, ठीक है। अब भाई साहब आ गए, भाई साहब बोल रहे हैं मेरे तो फलाने जी के मुझे तो एक और रूम बनाना है, भाई साहब लास्ट में आप क्या आ गए, एस्टिमेट बनाए, आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो गया, आपने 2 रूम बना भी दिए, अब बोल रहे हैं कि भाई साहब मुझे तो 5 बनाने, क्या ऊपर एक और बना लेना छत पे, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया, अब सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाते हैं, मतलब जो आपका काम था वो तो था ही एस्टिमेट, उसके अलावा जो एडिशनल वर्क, मतलब एडिशनल वर्क क्या है आपके पास, एक और रूम बनाना, ठीक है, तो वो जो वर्क है उसको सप्लीमेंट कर रहे हो आप ओरिजिनल वर्क के साथ, ठीक है ना, जो आपका काम चल रहा है उसके साथ ही आप कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, और यही लिखा हुआ है इस डेफिनेशन में, आप देख लीजिएगा। डिटेल एस्टिमेट एंड इज प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क आर रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क, ठीक है ना। एडिशनल वर्क क्या हो गया आपका, अलग से कमरा बनाना, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वर्क, ठीक है, मतलब डेवलप भी कर रहे हो आप, कुल मिला के एक नया एक्स्ट्रा कमरा बना रहे हो, ठीक है, तो आपको सप्लीमेंट रिवाइज, ठीक है। अब रिवाइज एंड सप्लीमेंट क्या हो गया, रिवाइज तो मैंने आपको पीछे ही बताया, सप्लीमेंट जब दोनों ही कंडीशन साथ में हो जाए तो,
ठीक है, दोनों ही कंडीशन, मतलब वो एडिशनल काम भी करना है, उसको रिवाइज भी करना है, पैसा भी आपका ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो बोल रहा है मेरा पैसा ऐसे ही ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो ऐसे ये एस्टिमेट दोनों ही बना दीजिए, मुझे एक और काम भी करना है उसके हिसाब से आप बना दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ही साथ में होता है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। और जो ये यहाँ पे आपका है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, अब ये चीज़ क्या होती है भाई साहब, अगर आप सिटी में रहते हो तो अच्छे से समझ पाओगे। क्यों? सिटी, जब आप सिटी में रहते हो तो जनरली क्या होता है, सिटीज़ में फ्लैट खरीदते हैं, खरीदते हैं ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। फ्लैट खरीदते हैं, ठीक है ना, जब फ्लैट आप खरीदते हैं ना, तो आपका जो बिल्डर होता है ना, वो क्या करता है पता है आपसे, हर महीने आपको एनुअल, या मतलब एनुअली ले लो, एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस, मतलब एक एक चीज़ होता है कि हर महीने या एक साल की कोई कोई ले लेते हैं, 6 महीने के साथ में ले लेते हैं, तो बिल्डर आपसे क्या करता है, रिपेयर और मेंटेनेंस का चेक लेता है। वो मेंटेनेंस किस बात का चेक लेता है कि जब भी आपकी बिल्डिंग हो गई, मान लो 3 4 साल हो गए, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है, या बहुत बहुत देखो एक एक बिल्डिंग में कभी 20 20 25 25 या 30 30 पे फ्लैट होते हैं, ठीक है, तो ऐसी बिल्डिंग्स के लिए अब 3 4 साल हो गए, तो कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो वो क्या करता है, लोगों से रिपेयर और मेंटेनेंस के पैसे ले लेते हैं, और वो उस स्ट्रक्चर पे फिर खर्च करते हैं कुल मिला के, ठीक है ना। तो इट इज अ डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर मेंटेनेंस द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर और सेफ कंडीशन, ठीक है, कुल मिला के आप स्ट्रक्चर को सेफ, उसको लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, अगर आपको कोई आपका प्लास्टर गिर गया मान लो, ठीक है, क्योंकि बिल्डर ने बना तो दिया, उसको तो कमाई करनी थी, अच्छा खासा प्लास्टर नहीं किया उसने, तो लीपा पोती कर दी, अब प्लास्टर कहीं से गिर गया, तो आप तो उस बिल्डर के पास जाओगे कि भाई साहब मैंने मेंटेनेंस भी दिया है ऐसे कैसे, तब वो क्या करेगा, वो अपने मेंटेनेंस के पैसे से ही वो उसी को सही करेगा, खुद का पैसा नहीं लगाता है वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन अपना इतना ही, नेक्स्ट अपन लेक्चर में जो इस फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, अपन डिडक्शंस, आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, तो ये वाली चीज़ अपन देखेंगे, और अगर चलो ये भी देखेंगे, उससे पहले शायद मैंने 2 क्वेश्चन और इसके डाले हैं, तो ये एस्टिमेट के 2 क्वेश्चन पहले देख लीजिए आप, ठीक है, ये वाला जो चीज़ थी वो आपके लिए आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन देखो, इस एस्टिमेट से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ जरूर पूछा गया है, मैं जितना भी आपको मटेरियल दूंगा उसमें से कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाएगा, आपके SSC में काम ही आने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन, मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है आप क्या सोचो, मैंने एक चीज़ बताई थी कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो आपको हर चीज़ बता दे वो मोस्ट एक्यूरेट है, वो कौन सा है आपका, डिटेल एस्टिमेट, नाम से ही पता होगा आपको, डिटेल एस्टिमेट, एक एक चीज़ दे रहा है आपको भाई, मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है, सी आंसर, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है अगर आपने पढ़ लिया तो। फिर आप लास्ट 2019 में जो 2018 वाला एग्जाम था आपका, 2019 में हुआ था लास्ट वाला एग्जाम, उसको याद करिए भाई साहब, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी आप सोच सकते हो कि ये टाइप्स कितने इंपॉर्टेंट है, तो ये तो जरूर पढ़ के जाना है आपको अच्छे से। 2019 में ये क्वेश्चन आया है, द एस्टिमेट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ट अप कवर्ड एरिया, मैंने एक चीज बताई थी जब मैंने प्लिंथ एरिया बताया था एट द फ्लोर लेवल, ठीक है, जब आपका बिल्ट अप एरिया है, मतलब जो आपका प्लिंथ एरिया है उसको कैलकुलेट कर रहे हो, और उसके बेस पे फिर आप एस्टिमेट तैयार कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, बिल्ट अप कवर, तो बिल्ट अप चीज पूछ लिया तो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, तो आपको चीजें समझनी है, रटनी नहीं है, रट लिया तो भाई गए काम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, बिल्ट अप कवर, जहाँ प्लिंथ एरिया पे ही बिल्ट अप होगा आपका, जहाँ पे आप बना रहे हो चीज को, वो कहाँ बनाओगे भाई साहब, प्लिंथ पे ही तो बनाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज आपका सेशन, आपको कैसा लगा जरूर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो भी मैं आपके लिए नेक्स्ट पूरा एस्टिमेशन लेके आऊंगा भाई साहब, एक एक चीज़ अपन खोल खोल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आपका SSC प्री जो है वो निकालना है कुल मिला के, तो उसके बेस पे पढ़ना है आपका, वो ऐसे नहीं कि आप मेंस के क्वेश्चन करने बैठ जा रहे हो और एक एक घंटा खराब कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं उससे, क्योंकि अब आपके पास वैसे भी टाइम नहीं है, 2 महीने ही है आपको, और कोर्स भी बहुत वास्ट है, GK GS की तो बात ही मत करो, वो तो बहुत है। तो आपको करना क्या है, अभी आपको मेंस के हिसाब से, क्योंकि आपको मेंस के लिए अलग से टाइम मिल रहा है, 2 महीने मिलेंगे, उसमें पूरा मेंस एक एक क्वेश्चन, फिर आपको इसकी तरफ देखना भी नहीं है, तो हर टाइम टाइम पे जो चीज़ करनी है वही करें फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे ही करना है, कल कल तक मैं ये आपका नेक्स्ट जो इसमें बचा हुआ पार्ट है वो, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैंने जनरली एक एक क्वेश्चन डाला है यहाँ पे, ताकि आपको जो चीज़ है वो समझ में भी आए,
और आपको लगे कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके काम का है, यूँ ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए, और लास्ट में बस इतनी ही आपसे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा।